बड़ी फिल्म है जो स्क्रीन की सीरियल बनती है? एक्चुअली सारे दोस्त हैं अपने जो इस फिल्म की कास्ट में, चाहे बाबर अली हो, आयशा उमर हो, यासिर हुसैन हो, तो अब मुझे मूवी देखने के बाद पता चलेगा क्या ये सिलेक्शन सही थी इनके कैरेक्टर्स के हिसाब से, क्योंकि एक्टर्स तो नो डाउट ये लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आजकल एक वो यासिर भाई की बात बड़ी वायरल हो रही है ना कि पाकिस्तान से अच्छा काम जो है प्रमोट नहीं हो रहा, और हमारे जो काम है अगर चाहे ड्रामा हो चाहे फिल्म हो, मैं उसे काम नहीं समझता। तो इस चीज़ के बाद ना मुझे लगता है यासिर भाई को बहुत ज़्यादा बारीक नज़र से देखेंगे लोग स्क्रीन पर बैठ के। तो मैं तो फ़ैन हुई उनके काम की, मगर आज स्पेशल मैं उनका कैरेक्टर यहाँ पर ज़रूर इन्जॉय करूँगी, बिकॉज कोई अगर डिफरेंट काम करने की बात करता है तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसकी रील्स बनना शुरू हो जाती हैं, उसको वायरल कर देते हैं, अच्छा बुरा कंटेंट उसका बनाना शुरू कर देते हैं। तो आई रियली वांट टू सी कि क्या प्रोड्यूस हुआ है, क्या कंटेंट है फिल्म का, और कास्ट जिस तरह से बात कर रही है और जो प्रोडक्शन दिख रही है उसी तरह से आई होप कि ये फिल्म हमारे सामने स्क्रीन पे वो रिजल्ट लेके आए। तो आई एम होपिंग द बेस्ट फॉर दैट। आज के इस फिल्म के प्रीमियर को देखकर मेरी उम्मीद बंधी है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो रहा है, और इसकी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान इंडस्ट्री की, फिल्म के रिवाइवल की, क्योंकि आज जो हालात हैं, जिन बुरानों से मुल्क गुजर रहा है, और जो आवाम जिस परेशानियों में और टेंशन्स में मुब्तला हैं, उसमें इस किस्म की फिल्में आनी चाहिए ताकि लोगों को सुकून मिले, तफरीह मिले, और तफरीह के साथ साथ यही फिल्में हैं जो लोगों को एजुकेट भी करती हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं फिल्म के डायरेक्टर को, फिल्म के प्रोड्यूसर को, और हम इंशाल्लाह सब मिलकर आगे चलेंगे। और मैं यही कहता हूं कि जहां रियासत के लिए चार इदारे होते हैं, पार्लियामान, जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया, वहां पांचवा भी है जो वो है फिल्म इंडस्ट्री। पांचवा सुतून पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की सकाफत है, क्योंकि यही पाकिस्तान की दुनिया में शनाख्त करवाते हैं। शुक्रिया। ज़बरदस्त मूवी है, सब ने बहुत अच्छा काम किया है, और हम सब यहाँ आए हैं, हम लोगों ने मूवी वॉच की है, और मेरी दिल से मुबारकबाद है। और हमारे आने का मकसद ये कि हम सिनेमा इंडस्ट्री को सपोर्ट करने आए हैं। प्लीज़ आप लोग आएँ और मूवी को इंजॉय करें, इट्स अ मार्वेलस मूवी। थैंक यू। जी नुमान भी क्या कहना चाहेंगे, फिल्म टक्साली गेट फाइनली सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनने जा रही है, क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि आई एम एब्सोल्युटली ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी कि इस ज़माने में इन हालात के साथ हम लोग फिर भी अपना आर्ट फॉर्म को सामने ला रहे हैं। एंड पीपल लाइक अबू अलीहा, दे आर मेकिंग एन एफर्ट। देखें, फिल्म बनाना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, मूवी मेकिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स यू कैन एवर डू इन योर लाइफ, और इट्स अ कलेक्टिव आर्ट फॉर्म कि आपको म्यूजिशियंस भी चाहिए, एक्टर्स भी चाहिए, कोरियोग्राफर्स भी चाहिए, ड्रेस डिज़ाइनर्स भी चाहिए, लोकेशन हंटर्स भी चाहिए, गैफर ग्रिप, कैमरामैन, डीपी फलाना, इट्स अ ह्यूज टीम। और कोई भी बंदा जब मूवी बनाता है ना, वो एक कहते हैं कि पहाड़ फतह करता है, इस तरह की सिचुएशन है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि वो आकर इस मूवी को देखें ज़रूर। यू हैव टू सपोर्ट योर इंडस्ट्री, जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा एक नेशनलिज्म है, एक पेट्रियटिज़म है, तो अपनी चीज़ को सपोर्ट करें। वो बचपन में सुना था, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, तो इट्स योर हाई टाइम टू यू बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। एंड द ट्रेलर्स आर लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। यासिर एज ऑलवेज इज़ फैंटास्टिक। मेरा बहुत प्यारा दोस्त उमर आलम इसके अंदर है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज वर्क। एंड अबू अलीहा ऑफ कोर्स अ वेरी डेकोरेटेड डायरेक्टर, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर, एंड आई एम हैप्पी टू सी द टर्न आउट दैट आई हैव सीन, द वेरी वार्म रिस्पॉन्स दैट पीपल आर गिविंग इट, एंड आई एम ग्लैड दैट दिस इज हैपनिंग।